हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन आर्ट्स। मैं हूं सौरभ शाह और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्यों बनाई ये पेंटिंग और क्या था रीज़न मेरे इस पेंटिंग के बनाने के पीछे, क्या प्रोसेस मैंने यूज़ किया। और जैसे कि आपने टाइटल देखा होगा, हाउ इज़ इट कनेक्टेड टू रेनेसांस। सो ये जो पेंटिंग आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, ये मेरे बड़े भैया की पेंटिंग है। इसको मैंने ऑयल पेंट में बनाया है, लेकिन सिर्फ कॉपी करके नहीं, इसको मैंने जो टेक्निक यूज़ किया है, जो अनडायरेक्ट मेथड ऑफ पेंटिंग विच वर यूज्ड इन द अर्ली रेनेसांस पीरियड। तो जैसे कि आपने मेरे पिछले कई सारे वीडियोस में देखा होगा कि आई लाइक ड्राइंग पोर्ट्रेट्स एंड स्पेशली रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होती है, काफ़ी ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक काइंड भी कई बार होती है, कई बार नॉर्मल रियलिस्टिक होती है। तो आपने देखा कि मेरा जो मेथड है वो कैसा है कि मैं एक पॉइंट पे पकड़ता हूँ और फिर उसी को देख के कॉपी करके उसी तरह से अपने ड्राइंग पे अप्लाई करते जाता हूँ और धीरे धीरे इमेज को देख के उसको डिटो फोटो कॉपी जैसे बना देता हूँ। तो उसी तरह के का प्रोसेस मैंने, जो इंट्यूटिव प्रोसेस है, जो मुझे लगा कि ठीक है इसी ड्राइंग को बनाने के लिए, छोटे से मैंने वही करता आया है, तो उसी से मैंने इतने देर इन दिनों तक कंटिन्यू किया। लेकिन काफ़ी दिन पहले ही मैंने यूट्यूब सर्च करते करते सीज़र सैंटोस नाम के एक विदेशी आर्टिस्ट का नाम सुना और उसको सर्च करते गया, तो मैंने देखा कि उसकी पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो फिर मैंने उसके यूट्यूब वीडियोस देखी, काफ़ी सारे वीडियोस देखी, उससे मुझे पता चला कि एक्चुअली में जो अर्ली रेनेसांस के जो आर्टिस्ट थे वो किस तरह की आर्ट करते थे, किस तरह की पेंट को यूज़ करते थे, किस तरह से अपने जो फॉर्म्स है उसको थ्री डायमेंशनल दिखाते थे, कैसे जो पेंट का प्ले है उसको अप्लाई करते थे। मैंने जो ये पेंटिंग बनाई है ये काफ़ी काफ़ी अर्ली स्टेज है उस लेवल को पाने के लिए, लेकिन अभी मेरा जो गोल है, एक गोल जिसको मुझे रीच करना है कि मुझे उस लेवल तक पहुँचना है, उस अर्ली रेनेसांस के जो आर्टिस्ट थे उनकी आर्ट स्टाइल को मुझे पकड़ के चलना है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको सीज़र सैंटोस के बारे में, तो आई एम वेरी मच फैसिनेटेड बाय हिज आर्ट स्टाइल। उन्होंने क्या किया है कि जो क्लासिकल आर्ट फॉर्म है उसको मिक्स किया है अपने कंटेम्प्रेरी आर्ट स्टाइल से, जो कि है आज की आर्ट स्टाइल से। तो उसका जो स्किल्स थे क्लासिकल पीरियड की, उसको मिक्स किया है आज के जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर, जिस टाइप की पेंटिंग्स है उसके ऊपर। तो इसी से काफ़ी एक अच्छा डायनेमिक फॉर्म होता है। आप भी उनको इंस्टाग्राम पे देखिए, आपको काफ़ी इंस्पायर करेंगे वो। तो क्या फॉल्ट है हमारे उस टेक्निक में जिसमें हम कॉपी करते हैं डायरेक्ट, कभी ट्रेसिंग पेपर का यूज़ कर सकते हैं, हालांकि मैंने कभी ट्रेसिंग पेपर का यूज़ नहीं किया या और ग्रिड भी बस एक बार ही यूज़ किया है, लेकिन फिर भी उस टेक्निक में ये प्रॉब्लम है कि हमें बेसिक्स नहीं पता चलते, हमारे पास टेक्निक नहीं है कि हम फॉर्म को अच्छे से देखकर बना पाए फ्रॉम द लाइव इटसेल्फ। आजकल मैं काफ़ी सारे लाइव पेंटिंग्स करता हूँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने कई सारे लाइव पेंटिंग्स बना चुके हैं। अभी कुछ ही एक दो महीने के अंदर ही मैं हर रोज़ स्टेशन जाके प्रैक्टिस कर रहा हूँ लाइव ड्राइंग की, और हमेशा वो 3D फॉर्म को देख के उसको अपने कॉपी में 3D एक अंदाज में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हम पहले कर रहे थे उसमें क्या था कि हम कंप्यूटर से या प्रिंट आउट करके किसी भी फोटो को बस देख के डिट्टो कॉपी कर रहे थे, उसमें हमारा कोई ब्रेन नहीं लग रहा था, बस जो रेंडरिंग है, मतलब रेंडरिंग में हम जितने सारे आवर्स भी लगा दे, हम धीरे 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 फोटो के सेम टू सेम ला तो देंगे बिना किसी स्किल के भी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बस टाइम दे रहे उसको और हर एक छोटी छोटी डिटेल को हम यूज़ करके
अपनी पेंटिंग को बना रहे हैं। अगर आपको उस टाइप की टेक्निक पसंद है तो कोई बात नहीं, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो जब देखा कि जो पुराने आर्टिस्ट्स है वो किस तरह से लाइट एंड शेडो का जो खेल है उनके पेंटिंग्स में थे, और वो तब इमेज भी यूज़ नहीं करते थे, वो जो कॉम्पोजिशन करते थे अपने माइंड से करते थे, और खुद ही खुद के माइंड से ही ऐसी अनोखी और ऐसी रियलिस्टिक पेंटिंग्स, वो रियलिस्टिक से कई ज़्यादा ऊपर है। हम क्या सोचते हैं कि रियलिस्टिक पेंटिंग उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो तो हम फोटो से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जब हम उनकी पेंटिंग्स को देखते हैं हमें पता चलता है कि किस तरह से फोटो उस तरह की इफ़ेक्ट को कभी क्रिएट ही नहीं कर पाएंगी। वो जो स्टोरी टेलिंग है उनके जो पेंटिंग्स में, वो जो लाइट का इफ़ेक्ट वो कैच करते हैं अपने माइंड से, वो कभी कोई फोटो नहीं कर पाएगी। तो उसी तरह से उनका जो रियलिज्म आइडियलिज्म है, मतलब वो रियलिस्टिक नहीं है, आइडियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स या फिगर्स वो बनाते थे। तो उसी तरह से उसी डेटा को लेकर, उसी नॉलेज को लेकर अभी मेरा गोल है कि मैं आगे बढ़ूँ और इसी तरह के कई सारे पेंटिंग्स में करूँ। मैं अपने इस चैनल में कई सारे, मतलब जो वाटर कलर पेंटिंग्स, BFA के रिलेटेड पेंटिंग्स इस साल डालते रहूँगा, लेकिन जब भी मेरे पास टाइम होगा अपने खुद के वर्क पे काम करने के लिए और खुद की जो मुझे बनाना है, जिस लेवल पर मुझे ले जाना है आर्ट को अपने, उस पर काम करने के लिए, तो मैं उस तरह के आर्ट के वीडियोस भी आपसे शेयर करूँगा। और जो अपने आर्टिस्टिक इंसाइट्स है, मतलब जब भी हमें आर्टिस्ट बनना है, क्योंकि हम इस पाथ पर जा रहे, काफ़ी ये अलग पाथ है जो लोग लेते हैं उससे, तो उस पर हम जा रहे हैं, तो उसके पूरे पाथ में हमें कई सारे स्टाइल्स से मुलाकात होगी, कई सारे फॉर्म्स हमें पता चलेंगे, तो वो सब मैं इस चैनल में आप सब के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी देखें कि कैसे मैं इस जर्नी पे जा रहा हूँ, और ताकि ये आपको भी अपने आर्टिस्टिक जर्नी पे जाने में हेल्प करे, इसलिए मैं ये सारे वीडियोस बना रहा हूँ। तो आज स्टार्ट था इस वीडियो से अपने आर्टिस्टिक जर्नी का, तो लेट्स बिगिन द जर्नी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको चाहिए कि आप मुझे फॉलो करें थ्रू आउट दिस आर्टिस्टिक जर्नी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ और मैं यूट्यूब में उतना ज़्यादा अपलोड नहीं करता जितना कि मैं इंस्टाग्राम पे और कई सारे लाइव पेंटिंग के वीडियोस और फोटोज़ को अपलोड करता हूँ, तो अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस चैनल पर बने रहिए कई और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू एंड गुड बाय।